हाय दोस्तों, वेलकम टू द नॉलेज 100। दोस्तों आज आपके लिए मैं और एक न्यू वीडियो लेके आ गया हूँ। आज का वीडियो में दोस्तों एक न्यू सर्टिफिकेशन के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में दोस्तों। और ये सर्टिफिकेशन कोई भी कर सकता है, तो पूरा डिटेल्स बताऊँगा, साथ ही लाइव सर्टिफिकेशन करके आप लोग को दिखाने वाला हूँ। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है दोस्तों, तो आप लोग घर बैठे कर सकते हैं विद इन 2 मिनट के अंदर। तो पूरा डिटेल्स बताने वाला हूँ, उससे पहले अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं दोस्तों, प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही रोज़ाना वीडियो मैं अपलोड करते रहता हूँ इस चैनल पे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो दोस्तों आप लोग को इस साइट पे आ जाना होगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को दे दूँगा दोस्तों। वहाँ से आप लोग डायरेक्ट इस पेज पर आ जाइएगा। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करना होगा सर्टिफिकेशन के लिए, जैसे कि दोस्तों आपका फुल नेम, आपका जो नेम है दोस्तों 10th का सर्टिफिकेशन में दोस्तों, वो फुल नेम यहाँ पे फिल करना है, ईमेल आईडी फिल करना है दोस्तों, आपका ऑर्गेनाइजेशन का नेम फिल करना है, अपना जेंडर फिल करना है दोस्तों, आपका एज ग्रुप यहाँ पे फिल करना है, अपने स्टेट फिल करना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपका कैप्चर जो दिया गया है दोस्तों, आई एम नॉट रोबोट में क्लिक करके स्टार्ट क्विज का ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। जब दोस्तों आप लोग स्टार्ट पेज पर ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों यहाँ पे आपको हो जाएगा। उससे पहले दोस्तों स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा क्वेश्चन का आंसर, या तो नोट डाउन कर लीजिएगा। नंबर 2 का ए हो जाएगा, क्योंकि हर बार क्वेश्चन सेम रहता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो 3rd नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। 4th नंबर क्वेश्चन का अगर बात किया दोस्तों यहाँ पे, उससे पहले दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 4th का बी हो जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, बहुत ही कम क्वेश्चन है यहाँ पे। तो 5th नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा सी। 6th नंबर क्वेश्चन का अगर बात किया है दोस्तों यहाँ पे, तो 6th नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सी। 7th नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा यस बी। 8th नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा ए, 8 का ए हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा यस या नो, यहाँ पे हो जाएगा 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन का अगर बात किया दोस्तों यहाँ पे, तो 10th नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा ए दोस्तों। 11th नंबर क्वेश्चन और 12th नंबर, टोटल 12 क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। 11 का सी हो जाएगा, 12th नंबर लास्ट क्वेश्चन का आंसर दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका 12 का आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपको यहाँ पे क्या कर देना है दोस्तों, यस कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ सबमिट क्विज का ऑप्शन में क्लिक करना है, इसके बाद इसको ओके में सबमिट कर देना है। जब सबमिट में आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा, यहाँ पे टोटल आपका दिख जाएगा कि अटैम्प किया 12 क्वेश्चन, उसमें 10 करेक्ट है, 2 रॉन्ग है दोस्तों, ठीक है। आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन के 7 क्वेश्चन बनाना है, फिर आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे सर्टिफिकेशन भी आ जाएगा, यहाँ पे डाउनलोड में क्लिक करके आप लोग सर्टिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद सर्टिफिकेशन कुछ इस तरह आपको दिखने में मिल जाएगा, ठीक है। ये एक वेरीफाइड सर्टिफिकेशन है दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। बारकोड भी स्कैन करके आप अपना सर्टिफिकेशन चेक कर सकते हैं, वेरीफाइड कर सकते हैं। तो आप लोग जरूर करें दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।